हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ विद्या मंदिर क्लासेस द्वारा कंडक्ट कराने जाने वाले इंटरनल जेई मेन टेस्ट पेपर। वो भी दोस्तों जेई मेन थर्ड है। जो जेई मेन फर्स्ट एंड सेकंड है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन दोनों वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। एडवांस से जाकर डायरेक्ट आप लोग जेई मेन 1 एंड जेई मेन 2 आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों जो नए हैं उनके लिए मैं ये बता दूँ कि जो विद्या मंदिर क्लासेज है, वैसे बच्चे जो कि विद्या मंदिर क्लासेज में एडमिशन ले चुके हैं, एनरोल्ड हैं, उनके लिए दोस्तों विद्या मंदिर क्लासेज इंटरनली हर मंथ टेस्ट लेता है। तो ये दोस्तों जेई मेन टेस्ट पेपर थर्ड है और पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो ये थर्ड पेपर है। एंड अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स का, तो 300 है। और डेट बात करें दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं 6 तारीख को हुआ था, 6 अक्टूबर को। एंड यहाँ पर अपना टाइमिंग दोस्तों देख सकते हैं, हमारा जो टाइमिंग था वो 4 से लेकर 7 बजे तक था। और यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन, तो जनरल इंस्ट्रक्शन का बात करें दोस्तों तो 3 आवर्स का पेपर था और फुल मार्क्स 300 था। अगर पेपर का दोस्तों डिजाइनिंग का बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पार्ट ए में आप लोग का फिजिक्स, सेकेंड पार्ट में केमिस्ट्री और लास्ट वन थर्ड पार्ट में दोस्तों आप लोग का है मैथमेटिक्स। और तीनों पार्ट में आप लोग को मिलेंगे टोटल दो दो सेक्शन। अगर सेक्शन 1 का बात करें तो यहाँ पर टोटल 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, जिनके सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगर बात करें आप लोग सेकेंड सेक्शन का, तो टोटल यहाँ पर 5 न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड यार यहाँ पर मार्किंग स्कीम बहुत ही सिंपल है, जेई एडवांस वालों के लिए बहुत मार्किंग इससे ध्यान में लेना पड़ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर सही हुआ तो +4, अगर गलत हुआ तो -1। एंड सेकेंड सेक्शन के लिए भी सेम मार्किंग स्कीम। और अगर सिलेबस का बात करें तो फिजिक्स का यहाँ पर सिलेबस दोस्तों देख सकते हैं, केमिस्ट्री एंड यहाँ पर मैथमेटिक्स। और यार यहाँ से आप लोग का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है जो कि आप लोग का फिजिक्स है। और बात करें फर्स्ट सेक्शन का, तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं टोटल 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एंड आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। और दोस्तों एक बात, इन सभी क्वेश्चन का इसी वीडियो के लास्ट में मैं डिटेल्ड सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, सो डैट अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इन सभी क्वेश्चन को बनाते हैं तो आप लोग मैच कर सके अपने ओरिजिनल आंसर की से। एंड वहाँ पर डिटेल्ड सोल्यूशन है दोस्तों, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक आप लोग के स्क्रीन पर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, देन क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, 16, 17, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, तो यहां से आप लोग का सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है जहां पर आप लोग को टोटल 5 न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग के स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, 5 यहाँ से दोस्तों आप लोग का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है जो कि आप लोग का केमिस्ट्री है। एंड यहाँ पर अगर बात करें टोटल मार्क्स का, तो 100 मार्क्स का आप लोग का केमिस्ट्री है, 100 मार्क्स का ही आप लोग का फिजिक्स था। और केमिस्ट्री में टोटल आप लोग का दोस्तों फर्स्ट सेक्शन में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, देन 16, 17,
क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड लास्ट वन 20। तो इसके बाद दोस्तों आप लोग का केमिस्ट्री का सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है, जहां पर आप लोग को फाइव न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप देखने को मिलेंगे। तो आप लोग के स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, पांचों क्वेश्चंस आप लोग के स्क्रीन पर, अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद हम लोग अपना थर्ड पार्ट जो कि है मैथमेटिक्स, एंड ये भी टोटल 100 मार्क्स का, तो सेक्शन वन दोस्तों आप लोग दे सकते हैं, जहां पर आप लोगों को 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेगा। तो आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10, देन क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, 19 एंड 20। यहाँ पर आप लोग का सेकंड सेक्शन, यहाँ पर टोटल फाइव न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप, तो यहाँ पर आप लोग के स्क्रीन पर टोटल फाइव न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप मैथमेटिक्स है। एंड यार यहाँ पर आप लोग का जो जेई मेन थर्ड पेपर था वो खत्म होता है, और अब बात आता है आंसर की का, तो डिटेल्ड सॉल्यूशन देने वाला हूँ आप लोग को। तो चलिए सॉल्यूशन पे। हाँ तो ये हो गया सॉल्यूशन फॉर जेई मेन थर्ड एंड 2024 वालों के लिए दोस्तों, वैसे बच्चे जो कि 2024 में आप लोग जेई मेन और जेई एडवांस देने वाले हैं उनके लिए था। और पेपर का बात करें दोस्तों तो फिजिक्स, जैसे कि डिजाइनिंग था, पार्ट ए में फिजिक्स था। एंड अगर फिजिक्स का बात करें तो फर्स्ट सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 का डिटेल्ड आंसर की आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, डिटेल्ड सोल्यूशन यहाँ पर हो गया। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6 का डिटेल्ड सोल्यूशन, देन क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड ए हो गया 11, देन क्वेश्चन नंबर 12, 13, यहाँ पर दोस्तों 13 का रिमेनिंग पार्ट, एंड क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20। यार यहाँ पर आप लोग का फिजिक्स का फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट होता है, सेकंड सेक्शन आप लोग का यहाँ से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट 1, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ से आप लोग दोस्तों केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। सेक्शन 1 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 का आंसर किया आप लोग के स्क्रीन पर। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 का आंसर किया आप लोग के स्क्रीन पर विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 का 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, क्वेश्चन 14, 15, 16 और क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19। तो यहाँ से आप लोग का सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है केमिस्ट्री का। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 का डिटेल्ड सॉल्यूशन दोस्तों आप लोग के स्क्रीन पर। और यहाँ से आप लोग का मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है जो कि है फर्स्ट सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 का आंसर के 6, 7, 8, 9 एंड 10, 11, देन 12, 13 एंड 14। यहाँ पर ये दोस्तों सबसे ऊपर में रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 11 का रिमेनिंग पार्ट, देख सकते हैं आप लोग का क्वेश्चन नंबर 11, देन 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड लास्ट वन 20। तो इसके बाद आप लोग का दोस्तों मैथमेटिक्स का सेकेंड सेक्शन स्टार्ट होता है, जहाँ पर आप लोग को टोटल फाइव न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन थे। तो आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 का न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप आंसर। तो यार यहाँ पर आप लोग का जो जेई मेन थ्री था, जेई मेन थर्ड, आप लोग का यहाँ पर सिंपल पेपर तो नहीं दोस्तों, क्वेश्चन पेपर, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है यार, एंड इसका अलॉन्ग विथ आंसर की कंप्लीट होता है। और जेई मेन फोर बहुत जल्द होने वाला है टेस्ट हमारा, तो जैसे ही टेस्ट होगा एंड उसका वीडियो लेकर मैं आ जाऊंगा। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।